देखिए शहीदों को सलाम है, नमन है। और देखिए इनकी लीला कि हमें पाकिस्तान दिखा रहे हैं बॉर्डर पे, हवाई एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लगातार जो है सीएसटी ओबीसी के खिलाफ जो है वो ऑर्डर आ रहा है। तो हम लोग ये लीला समझ गए हैं भाजपा सरकार की, इसलिए हम लोग अब कैंपेन चला रहे हैं। एक भी वोट बटने न पाए, एक भी वोट चुकने न पाए कि मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। कि पिछले 4-5 साल में कोई भी ऐसी सार्वजनिक संस्था, संवैधानिक संस्था नहीं है जिसका अपमान, जिसको खत्म नहीं किया हो मोदी सरकार ने। कोई भी ऐसे संवैधानिक अधिकार जो थे उसको इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा कोई भी नहीं। क्या क्या आए थे कि सबका साथ सबका विकास कहाँ है बताओ, क्या क्या आए थे कि जो है 15 लाख रुपए देंगे कहाँ है 15 लाख रुपए देंगे, क्या क्या आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे कहाँ है, उल्टा हुआ है। एससी ओबीसी के जो संवैधानिक अधिकार थे वो अधिकार खत्म हो गए हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाला था 13 पॉइंट रोस्टर पे, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो विडम्बना देखिए कि जो गैर संवैधानिक आरक्षण है वो एक दिन में पास हो जाता है पार्लियामेंट, और जो संवैधानिक आरक्षण है वो आरक्षण 70 साल में पूरा नहीं हो रहा है। प्रकाश जावड़ेकर और प्रधानमंत्री जो है सबको घुमा रहे हैं कि अध्यादेश ला रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं। ये कोई अध्यादेश नहीं ला रहे हैं, ये SC ST OBC अनमानित के हत्यारे हैं, उनके हितों के हत्यारे हैं। ये लीला हम लोग समझ गए हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पे देखिए, उन्होंने 10% रिजर्वेशन को ऐड निकाला है। तो एक तरफ ये सरकार, ये जनों की सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए बहुजन एकता हमें करना है और देश भर में जितने लोग हैं उनको इकट्ठा करना है। भाजपा हराओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। छोटा सा सवाल सर, आज से एक हफ्ते पहले 2 आतंकवादी मार दिए गए थे, जिसमें उन्होंने टीवी में बताया गया था 2 आतंकवादी मार गए। तो अमर उजाला और दैनिक जागरण में फ्रंट पे फोटो आई थी जिसमें से एक आतंकवादी सामने आया है और मीडिया वालों से इंटरव्यू दिया है उन्होंने कि हमें आ रही फेसबुक से फोटो निकाल कर और हमें मृत्यु घोषित कर दिया बीजेपी सरकार ने, बता दिया क्या हम आतंकवादी हैं, लेकिन हम तो जिंदा हैं। सरकार है, गप्पों की सरकार है।